अलीगढ़ में द इंडियन कुटूर की ओर से एसएस नगर में 3 दिवसीय एग्जीबिशन सेल का आयोजन 1 सितंबर से 3 सितंबर तक किया जा रहा है। एग्जीबिशन सेल का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनवर जुबैरी द्वारा किया गया। एग्जीबिशन सेल की आयोजक समीना खान ने बताया कि यहाँ लेडीज सूट, एप्लिक वर्क, शादियों के जोड़े, जरदोजी के काम के सूट्स मौजूद हैं। इसके अलावा पुराने जमाने के डिजाइन में काम किए हुए कपड़े भी हैं। राजा महाराजा व नवाबों के समय में जो वर्क किए हुए कपड़े रानियां पहनती थी, उस तरह के सूट भी इस एग्जीबिशन में मिल रहे हैं। एग्जीबिशन के उद्घाटन के मौके पर उर्मिला वाड्रा, प्रीति वाड्रा, डॉक्टर फरहा अशर, डॉक्टर निखत ताज, महजबीन खान, प्रोफेसर रेहाना खुसरो, राना इस्लाम, अफशा खान, सीनी यास्मीन, रोबिना खान आदि मौजूद रहे। ऐसा है कि ये एग्जीबिशन थर्ड टाइम हम लोगों ने यहाँ पे करी है इन द इंडियन कुटूर के नाम से, और इसके अंदर लेडीज सूट का काम होता है यहाँ पे, और डिफरेंट तरीके की जो मुगलाई है या एप्लीक वर्क है या जरदोरी है या जो पुराने ट्रेडिशनल जो लेडीज़ सूट्स पहनती थी, जो काम के पहनती थी, एक उसको पुराने काम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज का ज़माना चेंज हो चुका है, उसके अंदर लाने के लिए ये यहाँ पे एग्जीबिशन उस वर्क का काम यहाँ पे करके ये दिखाया गया है यहाँ पे। और इस एग्जीबिशन को 2-3 दफ़े पहले कर चुके हैं, इस दफ़े भी किया है। इसमें अनवार जहाँ जुबैरी जो AMU की वाइस चांसलर भी रही हैं, उन्होंने आज इसका इनॉग्रेशन किया। इस बुटीक को समीना खान चलाती हैं, और इनका जो काम है वो ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी ये करती हैं, और जो ऐसा भी इनको ऑर्डर मिलते रहते हैं उस तरीके से काम करती हैं। और मेरी इनको मुबारकबाद है कि इनका सक्सेसफुली काम आगे चले और बढ़े और इसी तरीके से तरक्की करती रहें और दिन दुगना चौगना इनका नाम रोशन हो। और जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं और इनका स्टाफ जिस तरीके से मेहनत करता है और ये जिस तरीके से अपने स्टाफ को बड़े प्यार और मोहब्बत से काम देती हैं, करवाती हैं, उनकी हर तरीके से मदद करती हैं, उससे इनका जो टीम वर्क है वो पूरा जुड़ा रहता है इनके साथ, और उनके साथ पूरी दिल और मोहब्बत से मतलब इनकी काम करते हैं उसके अंदर। और अपनी लेबर को एक ख़ास तौर से किसी भी तरीके की तकलीफ होने की नहीं देना चाहती, क्योंकि देखिए लेबर को अगर ये वो इनको चाहती हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे उसके अंदर, तो बहुत बड़ा टीम वर्क का काम है ये, तो इसलिए अपनी टीम को ये जुड़े रहती हैं। इनके अंदर बड़ी उमदा खूबी है और बड़ी खासियत है इसके अंदर। और मैं बाकी तो एग्जीबिशन आपने देखी होगी, सूट्स नहायत खूबसूरत हैं, कलर कॉम्बिनेशन बेहतरीन है, वर्क बेहतरीन है, सफाई से काम होता है इनके यहाँ, और जो कपड़े का है क्वालिटी है उसे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती, ना काम से ना कपड़े से, किसी भी उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। जिस चीज़ के जो प्राइस रखती हैं उसका काम जो है, वर्क जो है, उसका वर्थ का होता है। ये नहीं कि किसी आदमी को गलत तरीके से दाम ले लिए जाएँ या कुछ वो किया जाए और चीज़ ना दी जाए, ऐसा यहाँ पे इनके साथ कुछ नहीं होता है। बहुत सुपर क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान देती हैं, सूट्स देती हैं, लोग पसंद करते हैं और मुस्तकिल इंक्वायरीज वगैरह आती रहती हैं। समीना जी का कलेक्शन बहुत ही बेहतर है और आज मैं पहली बार ही आई हूँ इनके इस एग्जीबिशन में, बट इन्होंने हर टाइप के रेंज के सूट्स रखे हैं और डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, फ्रॉम कॉटन टू चंदेरी टू सिल्क एंड सब ओकेजन के हिसाब से कैजुअल वेडिंग वेयर, तो बहुत वाइड रेंज ऑफ सूट्स है, बहुत ही यूनिक कलेक्शन है एंड केटर्स टू पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स ऑल्सो। द बेस्ट पार्ट इज़ ये सारे साइजेस में भी अवेलेबल है, तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार कलेक्शन है। जो ये एक खाली बुटीक ही नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा ये एक पुराना जो हेरिटेज है, इंडियन कल्चर है और इंडियन हेरिटेज है, तो उसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का भी एक एफर्ट है। ज़रदोज़ी इंडियन आर्ट है, वैसे तो ईरान का है लेकिन ईरान से हिंदुस्तान आया करीब 400 साल पहले और वहाँ से आके हिंदुस्तान में ये इस्तेमाल होता हुआ मुख्तलिफ
ये सूबों में मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है ये काम लेता है और हर जगह की अपनी अलग स्टाइल होती है। ये यहाँ पे भी यूपी में भी ये वेस्टर्न यूपी में दिल्ली में और भी देशों में भी जरदोजी का काम होता है, लेकिन हर जगह के अपना अलग अलग स्टाइल है। राजस्थान का अपना अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, यूपी का अलग है। तो इसमें जो है यूपी का जो पुराना रामपुर अलीगढ़ वगैरह का जो स्टाइल है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो अगर इस तरह की एफर्ट ना की जाए तो ये आर्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह ये सबीना ने अच्छे आर्टिजन्स लेके और इसको जो है ट्रेडिशंस को रिवाइव किया है और उनका बहुत ऑथेंटिक है, बड़ा अच्छा काम है। उनका अपना टेस्ट और अपना स्टाइल जो है, कॉम्बिनेशंस मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल वो बड़ा अच्छी तरह किया है। उस पर जरदोजी का काम, जरदोजी को रामपुर का गोटिया पत्ती का काम, अलीगढ़ का पत्ती का काम जो है, जो ख़ास अलीगढ़ की स्टाइल है, उसका भी इस्तेमाल किया है। तो इसमें आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी इसमें, और वक्त के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। पुराने ज़माने में सच्चे मोती और प्रेशियस स्टोन्स का इस्तेमाल होता था जरदोजी में, जो मुगलों का या भोपाल के रास्तों में या और जगह भी जो राजाओं के नवाबों के होता था, तो उसमें सच्चे मोती और प्रेशियस स्टोन्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब वो काम नहीं होता, वक्त के साथ साथ ही आया, सोने के तार का इस्तेमाल अब नहीं होता, तो ये चेंजेस आए। लेकिन एक हद तक उसे प्रिजर्व करके रखा है इस आर्ट को। तो उनका जो काम है वो अपना पुराना ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करते हैं और ट्रेडिशनल स्टाइल्स को उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा खूबसूरत ये आर्ट है, मैं तो इसे एक आर्ट की तरह से देखती हूँ। अब इसमें एक और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से मिला की है, मसलन कैलीग्राफी कागज़ पे होती है, उसे इन्होंने कपड़ों पे किया है इस्तेमाल, दुपट्टों के ऊपर, सूट के ऊपर, तो वो बहुत ओरिजिनल चीज़ है। यहाँ पे एलिगेंस में समीना मैम ने बहुत ही खूबसूरत आइटम्स का, बेहद हसीन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया, जिसको देख के हम लोगों को इतनी खुशी हुई। ख़ास खुशी इसलिए है कि जो काम है वो इतनी नफासत वाला काम है, बेहद नफीस काम है। काम तो बहुत सारी जगहों पे होता है, मगर इसका क्लास बिल्कुल अलग है, और क्लास ख़ास तौर से इसलिए भी अलग है, जो नफासत के साथ साथ मैडम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल यूनिक है। और ख़ास तौर से मुझे तो इतना पसंद है, अलीगढ़ में जनरली इस तरह के एलीट क्लास कॉम्बिनेशन कम दिखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरती से जो ये इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें गरारे भी हैं, शलवार कुर्ते भी हैं, तरह तरह के दुपट्टे भी हैं, पैच वर्क भी है, और इसके पास शिबोरी वर्क भी इसमें किया हुआ है, दबके का काम भी किया हुआ है, सब एक से बढ़कर एक है। और जो उससे भी खुशी की बात है वो ये कि इतने सारे लोगों को मैम ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, और सब लोग इतनी खुशी खुशी मैडम के साथ बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, जिसका सारा क्रेडिट मैं समझती हूँ समीना मैम को जाता है। और ऑफ कोर्स जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं उनमें भी इतनी मैडम के साथ कोऑर्डिनेशन है, तभी इतना आउटपुट और सक्सेसफुल कोई चीज़ तभी हो सकती है जब आपस में कोऑर्डिनेशन हो। तो यहाँ मैंने कोऑर्डिनेशन को भी मैं बहुत सराहना चाहूँगी, जिसकी वजह से ये एलिगेंस मुस्तकिल प्रोग्रेस कर रहा है, और हम सब लोगों की विशेज़ हैं कि ये और आगे बढ़े,
बहुत आगे बढ़े और उसमें और बहुत सारे लोग जितने जुड़ सकते हैं जुड़े और बिल्कुल एक आउट ऑफ द वर्ल्ड की तरह की कोई और चीज़ें और प्रोडक्ट नए और जो और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको तो मैम ने ज़िंदगी दी हुई है वो अभी यहीं पे है। अगर किसी को देखना है जो लोग चीज़ें भूल चुके हैं वो यहाँ पे देख के इतनी दिली खुशी होती है जिसकी इंतजार। उसके अलावा जो भी चीज़ें लेटेस्ट आती हैं मैम उनको भी उसमें इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये समझ लीजिए एक नया और पुराना दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई काबिले तारीफ़ है।